हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे रंगा कुत्ता फोर्थ ऑर्डर, और इसके ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है YM+1 = YM+K, K = 1/6 K1+2K2+2K3+K4, और ये K1 K2 K3 K4 यहाँ पे दिए हुए हैं, वेयर M = 0 1 2 3 n। तो यहाँ पे ये फार्मूला में हमको करना क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमको मेन ये फार्मूला हमको फाइंड करना है YM+1 = YM+K। ओके, तो ये हमको अगर फार्मूला फाइंड करना है तो हमको ये दोनों वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमको इसकी तो वैल्यू होगी पर इसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि K की कोई वैल्यू एग्जाम्पल में दी हुई नहीं होती है, तो मीन्स K अगर नहीं होगा तो K का अगर हम K हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका ऑलरेडी दूसरा एक फार्मूला है K = this formula, मीन्स K = 1/6 K1+2K2+2K3+K4। मीन्स K का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो हमको K1 K2 K3 और K4 चारों फाइंड करने पड़ेंगे, और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको K का वैल्यू मिल जाएगा, और जो मिलेगा वो हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, पर अब K कैसे फाइंड करेंगे, अब क्वेश्चन मार्क ये है। तो अगर K हमको फाइंड करना है तो K1 K2 K3 और K4 चारों चार फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो K1 K2 K3 और K4 वो चारों चार जो है उसके अलग सारे फॉर्मूला भी यहाँ पे दिए हुए हैं, क्यों ये इक्वेशन बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, K1 = H × f(xm, ym, K2 = H × f(xm+h/2, ym+k1/2, K3 = H × f(xm+h/2, ym+k2/2, यस एंड K4। तो मीन्स यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, K1 फाइंड करोगे तो उसका वैल्यू K2 के अंदर यूज होता है, K2 फाइंड करोगे तो वो उसका वैल्यू K3 के अंदर यूज होता है, और K4 फाइंड करोगे तो K3 का वैल्यू इसके अंदर यूज K4 के अंदर यूज होता है। तो मीन्स ये हमारा फॉर्मूला है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हम अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो K का वैल्यू चाहिए और YM का वैल्यू चाहिए। YM का तो मिल जाएगा क्वेश्चन में से, पर K का वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर K का फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला के अंदर K1, K2, K3, K4 चाहिए, और उसके अलग से चारों चार के अलग फॉर्मूला है। अगर ये चार फाइंड करने के बाद जो आंसर मिले हम सब यहाँ पे पुट कर देंगे तो K भी मिल जाएगा, और K की जो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमको ये भी मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी एग्जाम्पल तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई ऐसे करना है RK फोर्थ ऑर्डर के अंदर। ओके, मैंने एक इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। गिवन दैट द DY/DX = x²-y, y(0) = 1, फाइंड y व्हेन x = 0.1 यूजिंग RK फोर्थ ऑर्डर मेथड वेयर h = 0.1। यहाँ पे h = 0.1 लेना है, ये सब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो ये जो गिवन डेटा है मैंने इसको क्या सेपरेट कर दिया है, कैसे, तो ये है, ये हमारा फंक्शन था DY/DX = x²-y, डिफरेंशिएशन था तो मैंने वो फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया f(xy) = x²-y। फिर y0 = 1, तो जो इनसाइड होता है उसको x0 बोलते हैं और जो बाहर होता है उसको y0 बोलते हैं, तो x0 = y0 = 1, x0 = 0, y0 = 1। उसके बाद है कि फाइंड y व्हेन x = 0.1, तो यहाँ पे बोल रहा है x अगर 0.1 होगा तब y कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा x = 0.1 होगा, y कितना, x = 0.1 है तो y कितना होगा, और h = 0.1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम वापस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैंने एक बार आपको समझाया था वो, उसका एक बार थोड़ा बेसिक में वापस एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला के अंदर मुझे अगर इसके अंदर के की वैल्यू चाहिए तो ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, और ये फाइंड करना है तो मुझे K1 K2 K3 K4 चारों चार पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि K1 मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद K2, K3 और K4। तो K1 का फॉर्मूला क्या है, H × f(xm, ym) ये मैंने ले लिया। देखो तो इस इनिशियल हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, K1 = H × f(xm, ym) स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे सबसे पहले m = हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, तो m = हमने यहाँ पे 0 रख दिया। ओके, अब f(x0, y0) ये फंक्शन इसको कॉल करेगा तो क्या मिलेगा हमको, x², x0² - y0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x² - y0। h का वैल्यू 0.1 था, x0 का वैल्यू 0 था, y0 का 1 था। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है
कि ये वैल्यू कहाँ से आई, वाई जीरो इज इक्वल टू वन है, तो ये जीरो है वो हम आपका एक्स जीरो है, और जो इज इक्वल टू वन है वो तो आपका वाई जीरो है। तो ये आपको मालूम पड़ गई कैसे वैल्यू आई, और ये दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो था तो जीरो, वाई जीरो इज इक्वल टू वन था तो वन, जीरो स्क्वायर जीरो, माइनस वन तो माइनस वन ही बचेगा, माइनस वन जीरो पॉइंट वन इंटू माइनस वन तो माइनस जीरो पॉइंट वन, तो हमको के वन का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब सेम मैंने बोला था आपको, अगर k का वैल्यू फाइंड करना है तो k1, k2, k3, k4, तो चारों चार फाइंड करना है, k1 मिल गया, अब k2, उसके बाद k3, उसके बाद k4, तो अब हम फाइंड करेंगे k2। तो k2 हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम वैसा ही फॉर्मूला है यहाँ पे, h इंटू एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच बाय टू वाई एम प्लस के वन बाय टू। तो m की जगह हमने सबसे पहले क्या ले लिया, जीरो ले लिया, ओके okay, जीरो लेने के बाद हमने सारी वैल्यू पुट कर देंगे, h का 0.1 है, x0 का 0 है, h का 0.1 है, y0 का 1 है, प्लस k1 का वैल्यू यहाँ पे जो मिला था वो यहाँ पे हमको रखना है, माइनस 0.1 रख दिया मैंने, डिवाइड बाय 2। अब क्या करेंगे देखो, k2 k2 0.1 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 0.1 बाय 2, 0.1 बाय 2 कितना होता है 0.05 होता है, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो, कॉमा 1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ओके यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 0.1 बाय 2 तो अगेन 0.05 होगा, ओके तो यहाँ पे 0 या एज, दूसरा तो नेक्स्ट स्टेप हो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा और यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0.05 तो 0.05 होगा, 1 माइनस 0.05 तो उसमें से मीन्स 1 में से 0.05 जाएगा तो 0.95 बचेगा। अब देखो अगेन ये फंक्शन जो है, अगेन ये जो फंक्शन है हमारा, ये किसको कॉल करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ये डायरेक्टली इसको कॉल करेगा, अगेन इसको कॉल किया तो x इज इक्वल टू वैल्यू तुम्हारी कितनी है 0.05 है, x का वैल्यू क्या है 0.05 और y का वैल्यू क्या है आपका 0.95, तो ये फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई, तो देखो x इज इक्वल टू 0.05 था तो उसका स्क्वेयर कर दिया, क्या क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वेयर है तो ये जो x था उसका 0.05 का स्क्वेयर हो गया, सेम थिंग 0.95 है वो हमारा y है तो माइनस वाई, तो अकेला y था इसलिए y, ओके ये जैसा होगा वैसा ही यहाँ पे अप्लाई होगा, वो याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट k2 टू इज इक्वल टू 0.1 इंटू स्क्वेयर कितना होगा 0.0025 माइनस 0.95, सब्ट्रैक्शन करो तो माइनस 0.9475, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.0947 हमको मिलेगा। अब क्या करेंगे, K1 मिल गया, K2 मिल गया, K3 फाइंड करेंगे, सेम सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, m इज इक्वल टू जीरो ले लेने का तो जीरो ले लिया, जीरो लेने के बाद h इज इक्वल टू 0.1 है, x0 इज इक्वल टू जीरो है प्लस h इज इक्वल टू 0.1 है अपॉन टू y0 1 है, देखो यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है, बाई चांस अगर मैं यहाँ पे स्पीडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत लंबा है, तो अगर मैं स्पीडली नहीं बोलूँगा तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा एग्जाम्पल, ओके तो इसलिए अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें से आप देख के यहाँ पे रख सकते हो। तो h इज इक्वल टू 0.1 बाय 2 कॉमा वाई जीरो हमारा 1 है, वाई जीरो हमारा 1 है प्लस k2, k2 का हमको वैल्यू क्या मिला था, ये वैल्यू मिला था हमने यहाँ पे पुट कर दिया डिवाइड बाय 2, ओके तो यहाँ पे क्या चेंज होगा 0 प्लस 0.1 बाय 2, 0.1 बाय 2 कितना आता है 0.05, फिर प्लस माइनस माइनस डिवाइड किया तो हमको ये नंबर को मैंने डिवाइड किया तो हमको ये नंबर मिला। अब क्या ये दोनों का प्लस करना है, इसमें से माइनस करना है, ये दोनों का प्लस करोगे तो 0.05 ही होगा, 0 प्लस 0.05 का क्या होता है 0.05 ही होता है, कॉमा 1 माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू 0.952624। देखो कई बार क्या होता है डिजिट बहुत लंबे हो जाते हैं तो आपको चार डिजिट तक लेने हो तो ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई 6 डिजिट लो, पर मैंने अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेटर में ही करना है, हमको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो ज़्यादा डिजिट लेने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट चार डिजिट ही लेते हैं, तो हमको चार डिजिट लेना हो तो चार डिजिट तक भी ले सकते हो, ओके थोड़ा माइनर आंसर में वेरिएशन आएगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके 0.05 फिर ये और ये मिला। अब ये वापस किसको कॉल करेगा, ये फंक्शन हो गया f इज इक्वल टू 0.05 0.952625, ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, ओके तो x इज इक्वल टू 0.05 है, y इज इक्वल टू ये वैल्यू है तो x का स्क्वायर हो जाएगा इसके हिसाब से और y माइनस y होना चाहिए तो माइनस ये हमारा y था तो हमने y यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये मिलेगा 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू दिस, तो k3 वैल्यू हमको मिल गया। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे k4, तो k हमारे यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने k4 यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है, देखो कंबाइन कर रहा हूँ सब कुछ,
देखो K4 स्टार्ट किया, K4 में K4 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। सबसे पहले M इज इक्वल टू जीरो रख देने का, जब भी कोई भी K1 K2 K3 K4 लो तब M इज इक्वल टू जीरो पुट कर देने का। तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, देखो और कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। उसके बाद सारी वैल्यू पुट कर दी, H का 0.1, X0 का 0, H का 0.1, Y0 का 1, फिर K3 का ये वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से मिली? तो देखो ये सारी जो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वही मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह थोड़ी रख रहा हूँ यहाँ पे देखने के लिए, एक काम कर रहा हूँ इसको ऐसे रख देता हूँ। यस, ये अच्छी तरह से दिखाई देगा आपको। ओके, तो मैंने सारी वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें से देखे यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे सिर्फ एक K3 की वैल्यू है जो हमको यहाँ पे यहाँ से नहीं मिलेगी, वो हमने जो पीछे सॉल्व किया उसके हिसाब से मिलेगी। तो K3 की वैल्यू हमारी क्या थी? ये थी। तो वो जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे K3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। ओके, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो, तो 0.1 इंटू 0.0 प्लस 0.1, 1 प्लस माइनस दिस, तो अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0 प्लस 0.1 0.1 ही रहेगा। 1 माइनस माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0.9049875। यहाँ पे अगर 4 डिजिट लेना हो सर, यहाँ पे एक कई बार ऐसा होता है कि 4 डिजिट मैंने मुझे लेना है पर यहाँ पे 8 आता है, 5 या 5 से बड़ा होता तो हमको एक पॉइंट ऐड कर देने का, वो आपको याद रखना है। तो बाय चांस अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे अभी 80 है, अगर मुझे इसमें नंबर इंक्रीज़ करके लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 0.9050 ऐसा लिखना पड़ता। अगर मैं सिर्फ 4 डिजिट लूँगा तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? 8 की जगह यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक पॉइंट आगे इंक्रीज़ कर देने का। 49 है तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो देखो 0.9050 आना चाहिए, लिख दिया मैंने, पर मैंने यहाँ पे पूरा बड़ा नंबर लिया हुआ है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लेना हो तो 4 ले सकते हो, बड़ा लेना हो तो बड़ा डिजिट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ अभी। ओके, ये फंक्शन मिला, ये फंक्शन वापस इसको कॉल करेगा, बराबर। ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x 0.01 स्क्वायर माइनस y हमारा ये है, तो ये रख दिया हमने। 0.0 का स्क्वायर 0.01 माइनस दिस वैल्यू, सबट्रैक्ट करेंगे ये मिल गया 0.1 इंटू दिस माइनस 0.08949875, ये हमको वैल्यू मिला K4 का। तो देखो यहाँ पे हमको K1, K2, K3, K4 चारों चार वैल्यू मिल गई है। सॉरी, अब हम क्या करेंगे? K का वैल्यू फाइंड करेंगे। K का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे K के फॉर्मूला के अंदर मैंने बोला था आपको K1, K2, K3 और K4 चारों हमको फाइंड करना पड़ेगा, K फाइंड करने के लिए। चारों चार हमको मिल गए हैं, वो जो चारों चार वैल्यू है देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो चारों चार वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। ओके, चारों चार वैल्यू देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाली फोर्थ, ये चारों चार वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा, K1, K2, K3 और K4 के अंदर मैं पुट कर दूँगा। ओके, ये चारों चार वैल्यू पुट करेंगे तो हमको K1 इज इक्वल टू माइनस 0.1 है तो यहाँ पे रख दिया। K2 इज इक्वल टू, K2 वैल्यू क्या है? ये रहा हमारा K2 का वैल्यू ये है, माइनस 0.09475, तो मैंने देखो K2 का वैल्यू जो है यहाँ पे रख दिया। K3 का वैल्यू ये है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। K4 का वैल्यू ये है तो ये जो था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। चारों चार है, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा सबका और माइनस के फॉर्म में आंसर आएगा। जो नंबर मिलेगा उसको 1/6 से डिवाइड, आई मीन 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको K मिल गया। अब हम क्या करेंगे? K का जो वैल्यू है देखो, ये हमको K की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा मेन फॉर्मूला था। ओके, तो उसके अंदर हम K की वैल्यू तो अब हमको मिल गई। अब M इज इक्वल टू हमको क्या लेना है? जीरो लेना है। M इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी M इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई 1 इज इक्वल टू वाई 0 प्लस के। तो अब यहाँ पे क्या होगा? K इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे हमको जो फाइंड किया हुआ है K इज इक्वल टू वैल्यू, वो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ओके, वाई 0 का वैल्यू कितना था? 1 था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा, तो ये हमको मिला वाई 1। ओके, तो ये उसका मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ 4 डिजिट ले रहा हूँ, बाद वाले डिजिट मैं नहीं लेता हूँ। तो मैंने 4 डिजिट लिए, यहाँ पे 6 नंबर है तो उसको यहाँ पे एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया, 1 की जगह मैंने 2 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 4 डिजिट ही लेने, इस वजह से 5 या 5 से बड़ा होता है अगर 5th डिजिट, तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर ये आंसर हमको कैसे मिला? तो मैं आपको याद करवा दूँ, मैंने ऐसे सम आपको करवाए हुए क्लासरूम में। तो ये बता रहा हूँ कि x0 इज इक्वल टू 0 था, y0 इज इक्वल टू 1 था। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद लिया था हमने x1 इज इक्वल टू 0.1 और तो y1 इज इक्वल टू कितना, तो ये हमारा जो आंसर मिला मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो था x इज इक्वल टू 0.1 है तो y इज इक्वल टू कितना, तो अगर x इज इक्वल टू 0.1 है तो y इज इक्वल टू 0.9052 हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़
सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.